मैं क्या करूं, मेरे पास में एक भी रुपया नहीं बचा और मैं पहले से बहुत ज्यादा गरीब हो चुका हूं। मैं किससे पैसे मांगूं, मेरी कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। एक काम करता हूं, जल्दी से भाग के टोनी स्टार्क के पास में चलता हूं, जिससे कि टोनी स्टार्क ही मेरी मदद कर सकता है। अब बस, अरे पीछे कौन था ये देखता हूँ चल के, अरे ये तो टोनी स्टार्क ही है। हे टोनी स्टार्क, आओ रेडल काओ, कैसे आना हुआ? हे टोनी स्टार्क, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार, प्लीज मेरी मदद कर दो। अरे कैसी मदद, मुझे बताओ तो सही। अरे टोनी स्टार्क, मेरे पास में एक भी रुपया नहीं है, प्लीज तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। और एडल, मैं तुझे कोई पैसा नहीं दूंगा, समझ गया? मैंने तुझे पिछले ही बहुत पैसे दे रखे हैं, तूने मुझे एक रुपया भी नहीं लौटाया अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुझसे पैसे चाहिए। अरे मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, समझ गया? अच्छा, तू मुझे पैसे नहीं देगा तो इसका मतलब मैं तेरे बच्चे को किडनैप करके उसकी किडनी निकालूंगा और उसका खून निकाल के किसी को बेच दूंगा, उसके बाद में मेरे पास पैसे आ जाएंगे। और एडल, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना, समझ गया तू? हाथ क्या, मैं तेरे बच्चे को किडनैप करके ले जाऊंगा और तेरे बस की है तो बचा लेना इसको, मैं लेकर जा रहा हूँ। मजा आ जाएगा। अरे यार दोस्तों, इतना समय हो गया, मेरे पास में कोई काम हिल्ला नहीं है। अगर कोई मुझे कुछ काम दे दे तो मैं उस काम को करके काफ़ी अमीर बन जाऊंगा, मैं गरीब हो चुका हूँ पहले से बहुत ज़्यादा। अरे चलता हूँ जल्दी से, सोचता हूँ किसी के घर पर काम ही कर लूँ तो मज़ा ही आ जाएगा। अरे एक मिनट, ये कौन है यहाँ पर? अरे मैं बर्बाद हो गया। अरे ये तो टोनी स्टार्क है। हे टोनी स्टार्क, क्या हो गया, क्यों रो रहा है तू यहाँ पर? अरे फ्रैंकलिन, मैं बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया टोनी स्टार्क, कैसे बर्बाद हो गया, मुझे तो बता। अरे असल में फ्रैंकलिन, मेरे पास में रेड हल्क आया था पैसे मांगने के लिए और मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया, तो उस रेड हल्क ने मेरे बच्चे को किडनैप करके ले गया। प्लीज रेड हल्क से मेरे बच्चे को बचा लो फ्रैंकलिन। अरे यार ठीक है, मैं तेरे बच्चे को बचा कर ले आऊंगा। अरे फ्रैंकलिन, अगर तुम मेरे बच्चे को बचा कर ले आओगे तो उसके बदले मैं तुम्हें मैक्स गॉड आयरन मैन बनाऊंगा। जल्दी से जाओ फ्रैंकलिन और मेरे बच्चे को सही सलामत बचा के ले आओ, वरना वो मेरे बच्चे को मार देगा। अरे तुम ठीक है, रोना बंद करो, मैं चाहता हूँ, घबराओ मत, और समझ गए, मैं उस बच्चे को बचा कर ही लाऊंगा, उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। अरे जल्दी से मुझे दोस्तों चलना होगा और चल के उस रेड हल्क से उस बच्चे को बचा कर लाना होगा। अरे यार मैंने पूरे शहर में उसको तलाश कर लिया पर अभी तक उस बच्चे को कोई पता नहीं चला, ना ही उस रेड हल्क का, जाने रेड हल्क बच्चे को कहाँ पर लेकर चला गया। पर कोई नहीं दोस्तों, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे उस रेड हल्क से उस बच्चे को बचाना ही होगा, कहीं भी मिले उसे मुझे ढूंढ कर रहना होगा दोस्तों। अरे पापर रेड हल्क तो ये रहा। हे बेटा तुम कैसे हो? अरे अंकल मुझे बचा लो वरना मुझे जान से मार देगा। हे फ्रैंकलिन, तू यहाँ पर क्या करने आया है? तू यहाँ से चला जाओ, समझ गया, वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। अरे नहीं रेड हल्क, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता बेवकूफ, मैं बोल रहा हूँ कि इस बच्चे को छोड़ दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझ गया? मैं किसी भी बच्चे को परेशानी में नहीं देख सकता, मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, समझ गया तू? तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तुझे मार दूंगा, चला जा फ्रैंकलिन यहाँ से। अरे नहीं, मैं इस बच्चे को लेकर जाऊंगा, आ जाओ बेटा तुम मेरे पीछे पीछे। अरे दोस्तों अगर तुम चाहते हो मैं इस बच्चे को लेकर जाऊं तो जल्दी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। आ जाओ बेटा जल्दी जल्दी। ठीक है अंकल, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। ये नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा फ्रैंकलिन, तू मेरा कहना नहीं मान रहा था और बोल रहा था मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे बाप रे दोस्तों, मुझे यहाँ से भागना होगा, ये रेड हल्क तो पागल हो गया, ये तो मुझे मारने पर तुल गया। अरे जल्दी जल्दी मुझे भागना होगा, मेरे पास में तो कोई पावर भी नहीं है, ये तो मुझे जान से ही मार देगा दोस्तों। अरे जल्दी जल्दी चलता हूँ, देखिए इसने मेरा कितना बुरा हाल किया। ये नहीं, तू कहीं भी बच कर नहीं जा सकता फ्रैंकलिन, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू बहुत बनता है अपने आप को डाउन, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे बाप रे दोस्तों, मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे दोस्तों क्या अभी तुम मेरी मदद नहीं करोगे? अगर तुम चाहते हो मैं बच जाऊं, अरे बाप रे, तो जल्दी इस वीडियो को लग गया। अरे यार ये नहीं छोड़ने वाला मुझे, जल्दी मुझे बचाओ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अभी तक भी नहीं किया है तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई तेरी मदद नहीं करेगा फ्रैंकलिन, मैं तुझे आज जान से मार दूंगा, समझ गया? अरे नहीं दोस्तों प्लीज जल्दी मेरी मदद करो, कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिख दो जल्दी से दोस्तों प्लीज। अरे ये तो मुझे जान से ही मार देगा, अरे बाप रे, अरे मुझे कैसे भी, अरे बाप रे मुझे यहाँ से चलना होगा। अरे यार इसने मेरी बहुत बुरी हालत की दोस्तों, अब जल्दी से मुझे टोनी स्टार्क के पास में चलना होगा और टोनी स्टार्क से जाके बोलना होगा कि टोनी स्टार्क मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सका क्योंकि उस रेड हल्क के पास में बहुत ही खतरनाक पावर है। हे टोनी स्टार्क,
अरे आओ फ्रैंकलिन आओ, क्या हुआ, मेरे बेटे को बचा कर ले आए क्या तुम? अरे सॉरी टोनी शक, मैं तुम्हारे बेटे को बचा कर नहीं ला सका क्योंकि उस रेडल के पास में बहुत ही खतरनाक पावर है। मैंने तुम्हारे बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की पर उस रेडल ने अपनी पावरों को एक्टिवेट करके मुझे इतना मारा कि ये देख मेरी हड्डी पसलियाँ तोड़ दी। अच्छा अच्छा फ्रैंकलिन, ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल घबराओ मत, अभी काम करता हूँ मैं अपनी कुछ पावर और तुम्हें अपना कुछ सूट दूंगा, एक सूट Mk5 उसको दूंगा और तुम्हें अपनी कुछ पावर दूंगा, उसको पहनने के बाद तुम जाना उस रेडल की पोंगी बजाना, समझ गए? हाँ ठीक है दो। अरे वाह दोस्तों, ये देखिए मैंने Mk5 और उसकी कुछ पावर आ गई, आप जल्दी से जाओ फ्रैंकलिन और जाके मेरे बेटे को बचा कर लाओ, समझ गए? हाँ ठीक है टोनी स्टार्क, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को जरूर से बचा कर लाऊंगा और देखना उस रेडल की तो मैं पोंगी ही बजा दूंगा। अरे दोस्तों जल्दी जल्दी चलता हूँ, आखिरकार वो रेड हल्क उस बच्चे को लेकर कहाँ पर गया होगा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सामने उसका बीच पर एक घर है, कहीं वो अपने घर के पास ही ना हो। चलो चलते हैं जल्दी से। तो फिलहाल तो मैंने अपना सूट उतार दिया है दोस्तों, पहले उस रेड हल्क के पास में चलते हैं और चल के उस बच्चे को बचाते हैं। अगर वो रेड हल्क सीधी उंगली से बच्चा नहीं देगा तो फिर उसे मारेंगे। फ्रैंकलिन तुम फिर से यहाँ पर आ गए। हाँ मैं फिर से आ चुका हूँ और मैं इस बच्चे को अपना बचा कर ही लेकर जाऊँगा। चलो बेटा मेरे साथ में चलोगे क्या? हाँ अंकल मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। तुम दोनों यहाँ से अब जिंदा नहीं जाओगे और मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा, समझ गए? अरे नहीं रेड हल्क, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बेवकूफ, अब के मेरे पास में Mk5 और उसकी कुछ पावर है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, समझ गया? अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तो मैं तुझे अभी दिखाता हूँ अपना जलवा, ये ले मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, ये ले मैं तुझे जान से मार दूंगा, मेरा नाम रेड हल्क है। अरे बापरे दोस्तों ये क्या हो गया, मेरी पावर एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही? अरे बापरे हो गई। अरे यार ये तो मुझे अभी भी मार रहा है पर मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे तुझे मार दूंगा मैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फ्रैंकलिन, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे नहीं दोस्तों मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको तो मैं मार कर ही रहूंगा पर कोई बात नहीं। अरे बाप रे दोस्तों, अरे यार कैसे भी करके मुझे बचाओ, जल्दी कमेंट फ्रैंकलिन ओपी लिखो जिससे कि मैं सपना बदला ले लूं, पर इसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं। रेड हल्क मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। अरे बाप रे अभी तक मैं इसको मार नहीं पा रहा हूँ, ये ले पर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे दोस्तों फाइनली ये देखिए मैंने इसके अंदर आग लगा दी और इसको मार दिया। अरे दोस्तों वह मजा ही आ गया, थैंक यू तुम लोगों ने मेरी मदद की, अब जल्दी से इसको मार के यहाँ से चलते हैं और चल के उस बच्चे को बचाएंगे दोस्तों जल्दी से। अरे फाइनली मैं उसको मार कर आ गया, जल्दी से बच्चे को बचा के यहाँ से सीधा लेकर चलेंगे दोस्तों टोनी स्टार्क के पास। हे बेटा जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ जाओ, टोनी स्टार्क सर तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा वो तो मेरे पापा है। हाँ बेटा तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ और जल्दी से दोस्तों चलते हैं, उसको टोनी स्टार्क को चल के इस बच्चे को दे देंगे, उसके बाद मैं बनूंगा मैक्स गॉड आयरन मैन दोस्तों, मजा ही आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, हम टोनी स्टार्क के पास में पहुंच चुके हैं। अरे आओ फ्रैंकलिन, शाबाश शाबाश तुम मेरे बेटे को बचा कर लिया। हे बेटा कैसे हो तुम? ठीक हो पापा, इट फ्रैंकलिन अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी मदद की है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा, चलो ठीक है फ्रैंकलिन मैं तुम्हें मैक्स गॉड आयरन मैन बना ही देता हूँ, ठीक है? हाँ बनाओ जल्दी 1 2 3। अरे वाह दोस्तों ये देखिए मैं मैक्स गॉड आयरन मैन बन के कितना ही ज्यादा ओपी लग रहा हूँ। चलो अपनी आपको पावर दिखा देता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों मेरी पावर कितनी ही ज्यादा खतरनाक है। तो आज के इस वीडियो में तो मजा ही आ गया दोस्तों, अगर आपको भी मजा आया तो कमेंट में यस लिख देना और अभी तक तुमने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और दोस्तों आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और ये जो आपके सामने वीडियोस आ रही हैं आप इनमें से कोई वीडियोस पर क्लिक करके इन वीडियोस का मजा ले सकते हैं। मिलेंगे पार्ट 2।